हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय अदर विलना। यहाँ पे मैं एंड मेरा बेबी बैठा है और हम लोग आज व्लॉग बना रहे हैं सुबह सुबह, इसलिए क्योंकि हमें जाना है आज अपॉइंटमेंट में। और यहाँ ये रो रहे हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहे हैं। इनको ना खाना खाना है, ना दूध पीना है, ना ही इनको वॉकर में बैठना है, ना ही इनको खेली खेली करनी है। आई डोंट नो क्या करना है। सुबह सुबह उठ के बस रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तो मैं अभी हम लोग उठे हैं सो के और मेरी कमर में इतना शदीद वाला दर्द हो रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई दिस प्रेगनेंसी इज सो मच पेनफुल। आई थिंक स्टार्टिंग में ही इतना मुझे दर्द होना शुरू हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। तो खैर है, लेकिन अभी हम आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और आज मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का अपॉइंटमेंट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आप लोगों के साथ भी हमारी सेकंड बेबी की जर्नी शेयर करते हैं। क्या हुआ? तो हम लोग जाएंगे आज, मैं एलिश को भी साथ लेके जाऊंगी क्योंकि इसके बाबा तो जॉब पर हैं, तो हम इसको साथ लेके जाएंगे। पहले अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो दोनों में चलो साथ। और अभी तो खैर हमारी सुबह हुई है तो अभी टाइम है जाने में बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मैं उसको सुलाऊंगी, फिर उसके बाद रेडी वेडी होंगी, तो चलो चलते हैं, बाय। हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा आज खाने में क्या बनाऊं। एक तो मेरे पास पहली बात यह है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी बज रहे हैं 11 और 1 से 1.5 बजे मुझे रेडी होना है, 1.5 बजे मुझे निकलना है, तो उससे पहले टाइम ही नहीं है। मैं सोच रही थी कढ़ी बनाने के लिए, लेकिन कढ़ी बनाने के लिए इतना कम टाइम थोड़ी चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और मैं ऐसा कर भी लूँगी, कढ़ी पकने के लिए रख दूँ, आके कर लूँगी, लेकिन मेरी तो जॉब है यार, मैं तो जॉब पर जा रही हूँ, तो आज मैं क्या खाऊँगी पूरे दिन। और मुझे अभी भी भूख लग रही है और अभी भी कुछ भी नहीं है खाने के लिए। आई डोंट नो, आई एम सो हंग्री राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू मेक एनीथिंग। कोई रहता भी नहीं है पास में जो मुझे पार्सल भेजते यार। और मेरे तो पाकिस्तान वाला मोहल्ला भी नहीं है कि हाँ अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बराबर वाले से पूछ लूँ कि यार थोड़ा सा कुछ सालन वालन है तो दे दो। अच्छा पहले मैं सोच रही थी कि मैं चलो कुछ चावल बना लेती हूँ, लाइक मटर आलू के चावल, यू नो मज़ा आता है चटनी के साथ। तो अब हमारे पास इतने सारे वाइट वाले वो चावल रखे हुए हैं, तो उसके साथ अब क्या खाया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा। और दाल वाल खाने का दिल नहीं चाह रहा, सब्ज़ी कोई है ही नहीं घर में, तो ऐसा क्या बनाए बनता है कि दाल चावल के साथ खा ले। आई डोंट नो, लाइक चावल के साथ खा ले, दाल ही बनानी पड़ेगी ले दे के कोई सी मेरे को। आई थिंक चने की दाल बना लेती हूँ, और क्या करूँ, ऑप्शन नहीं है बस चने की दाल। ओके चलो चने की दाल बनाती हूँ। सो फाइनली मुन्ना तो सो रहा है, उसको मैंने यहाँ पे वो लगा दिया है, और मेरा भी डिसाइड हो गया है कि मुझे क्या खाना है। तो मैंने बस ये ब्लूबेरीज योगर्ट और इसके अंदर मैंने तुक मलंगा डाल दिया, और चूल्हे पे मैंने आई डोंट नो यहाँ से दिख रहा है नहीं, मैंने चने की दाल चढ़ा दी है, अब वो बना लेंगे अभी तो फ़िलहाल, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो दाल मेरी रेडी है, थोड़ी सी पतली है अभी, बट मैंने इसको ऐसे ही करना है, इट्स ओके। और बघार बघार लगा दिया है, दाल इज रेडी नाउ। माई बेबी इज रेडी एंड आई एम रेडी टू। मैंने यही वाली शर्ट पहन ली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पहन। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं खाना पैक कर लेती हूँ, और खाना पैक करके अपने साथ ही पानी और खाना ले जाती हूँ, ताकि मैं वहीं से जॉब पे चली जाऊँ और एरिश यहाँ पर आ जाएगा फिर वापस, उसके अब वहीं पर आ जाएंगे। तो अभी हम अपना खाना पैक करते हैं और फिर मिलते हैं। हाँ, मुझे जोड़ी देगी भाई। ठीक है, मेरी दाल और चावल रेडी है, खीरा भी रख लिया, दो मैंने ऑरेंजेस रख लिए हैं। इनको पता नहीं क्यों क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, इनके गोद में आना है। वी आर रेडी एंड हम लोग बस निकल रहे हैं, चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आई एम सो एक्साइटेड, वी आर हियर, एक्सीलेंट। देखो मेरा मुन्ने को कैसे लेता हुआ यहाँ पे, इसको इतना मज़ा आ रहा है, घर पे रो रहा था अभी चूहों के बैठ गया। सो वी आर हेयर एंड हम लोग का वेट कर रहे हैं, चेक इन मैंने करा दिया, 145 का था, लेकिन मैं 40 पे यहाँ पहुँच गई हूँ,
और मैंने चेक इन भी करा दिया है। तो बस अब हम वेट करते हैं, एरिश को भी अंदर लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि कहना चाहिए एरिश को कहाँ छोड़ती इसलिए। तो या आई एम एक्साइटेड एंड आई एम नर्वस, मुझे टेंशन भी हो रही है। होपफुली अल्लाह का शुक्र हो कि बस सब ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बस सब ठीक करे। तो अब हम जाते हैं अंदर और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो जी यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड जो है वो डन हो चुका है, दिस इज़ द पिक्चर। उन्होंने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम बना लो। और यहाँ पे अब हम ऊपर आ जाएंगे डॉक्टर के चेकअप के लिए। तो बेबी ने मुझे अंदर इतना रो के टर्न किया था, तो खैर फाइनली अभी हम डॉक्टर को देखने के लिए आ गए हैं और यहाँ हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। अब मुझे ये पेपर दिया है फिलअप करने के लिए जो मुझे करना है, और ये अभी चुप बैठा है क्योंकि इसको बाहर देखने को मिल रहा है ना चीज़ें, तो ये चुप बैठा है वरना इतना रो रहा था मुझे। और बाकी पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। वी आर डन यहाँ पे। अभी यहाँ पर सारा चेकअप वगैरह हो चुका है, डॉक्टर चले गई है, तो मैंने कहा चलो लास्ट में वीडियो बना देती हूँ। और उसके बाद हम यहाँ नीचे आ गए हैं, ये है लैब। तो लैब में मुझे यहाँ पे अपना ब्लड वर्क करना है, ब्लड वर्क के लिए मुझे उनको खून देना है। तो आप लोग देख सकते हो उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से यहाँ पे टाइट करके बांधा और खून निकाल दिया काफ़ी सारा। तो मुझे वीडियो बनाना था, मैंने कहा दिखा देती हूँ। तो फिर यहाँ पे फिर वीडियो बनाई थी मैंने, फिर तो यहाँ पे बस वो नस मेरी देख रहे थे कहाँ पर है, तो मैं किस साइड पे लेके जाऊँ। दर्द भी हो रहा था लेकिन खैर हाथ को ऐसे ही रखना था, एक दफ़ा सुई अंदर चली जाती है तो पता नहीं चलता। तो बस इसीलिए मैंने कहा तो चलो देख लें आप लोग भी। अब ये इसके अंदर बॉटल्स डालेंगे और तकरीबन 3 से 4 बॉटलें खून की ले जाएंगे। और यहाँ पे हम इसीलिए तो घर भर के जूस पीना पड़ता है, जूस वो वाला बीट रूट का, ताकि जब हम खून निकालने जाएँ तो खून निकल जाए बाहर। तो खैर है यहाँ पे इतना सारा लोगों ने खून निकाला ना यहाँ के बस। तो बस उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे ब्लड वर्क की रिपोर्ट आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज गुड एंड वो सब कुछ चेक करते हैं। तो बस यही था और बाकी हम उसके बाद घर आ गए थे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन, फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।